कयामत बन के दिन आशूर का ज़ैनब पे आया है हजारों कातिलों के दरमियाँ अरे ज़हरा का जा हजारों जिए मातमी मिल के बाबा से बुलंद कयामत बन के दिन नाशूर का ज़ैनब पे आया है हजार बाबा से बुलंद सजा है दश्त लाशों से कहीं बाजू कहीं सीना इसी मन जने ज़ैनब को सरे मक़्तल रुला हाय ज़हरा का जाया है जियो मातमी मौला खैर करें शेर देखें किसे आवाज दे भाई भला अब कौन बाकी है किसी के दिल में है कोई पामाल दूल्हा है हजार हाय ज़हरा का जाया है बदन शादाश्त से मज़लूम लाया है आज़ाद हाय ज़हरा का जाया है ज़हरा का
قاسم ستم کا روکے نرغے میں میرا مظلوم آیا ہے ہزار ایک نوحہ بی بی سلام اللہ علیہ کے حال میں پیش کرتا ہوں کہ کربلا سے شام تک بی بی نے کیا کیا مصیبتیں اٹھائیں اور مولا سجاد نے اس کو کیسے بیان کیا سماعت کریں ہر قافلہ شام کے زندہ سے جب نکلا رہا ہو کر کہا سجاد نے رو کر کہا سجاد نے رو کر کہ جب جب سا بس یہ بین ہے چیز ساشر سماعت کریں کہ مصرع مولا سجاد فرماتے ہیں کہ میری ایک خواہش تھی جو میں کربلا سے شام اپنی بہن کی پوری نہ کر سکا میری چھوٹی شہزادی کو پیاس بہت لگتی تھی لیکن میں پانی نہیں پلا سکا سماعت کریں ہر نہ دے پایا اسے پانی یہی بس ایک اداسی ہے ارے سکینہ کل بھی پیاسی تھی سکینہ بھی پیاسی ہے کہ جب صغرا مدینے مولا سجاد فرماتے ہیں کہ میری بہن شمر کے نام سے اتنا ڈرتی تھی کہ اگر وہ دور سے دیکھتی تھی کہ شمر اس کی جانے بارہ ہے تو جلدی سے اٹھتی تھی اور مولا سجاد کے پیچھے جا کے چھپ جاتی تھی سماعت کریں ہر ہمیشہ شمر کے ڈر سے میرے ہمراہ رہتی تھی ارے تماچا جب بھی لگتا تھا بہت بلند گریا کریں جی ہائے ہمیشہ شمر کے ڈر سے میرے ہمراہ رہتی تھی ارے تماچا تھا مجھے آواز دیتی تھی مصیبت شام کی مصیبت شام کی ہائے مجھے جب بھی رلائے گی
सकीना आया दिल आएगी सकीना आया। बीबी सकीना करबला से शाम तक जब भी शहजादी को उसके छोटे शहजादे मौलाना इज़्ज़त की याद आती थी तो वो एक अमल अंजाम दिया करती थी। वो खाक से उठती थी, माँ के पास जाती थी, माँ के पास एक बंदी गठरी होती थी उसको खोलती थी, उसमें से झूले की चंद जड़ी लकड़ियाँ निकालती थी और गोद में लेके उसको ऐसे खिलाती थी जैसे अपने भेजा उसको। बाबा से बलंग बयान करें गिरिया करें दलो दीवार से रोने की आवाजें। हाय अरे शबे गुर्बत में, शबे गुर्बत में असगर की उसे जब याद आती सज्जाद फरमाते हैं कि बादे करबला और करबला से शाम जब हम रिहा होकर मदीने आए कभी भी कोई ऐसा मौका दरपेश आया कि कोई इंसान किसी छोटे बच्चे को तो कभी तमाचे मारते या दुर्रे मारते तो मौला सज्जाद की आंखों से आंसू जारी हो जाते और उसको समझाते कि देखो कभी मासूम बच्चों को तमाचे नहीं मारे जाते हैं। समाप्त करें। हाय ये रुख शाम वालों से, ये रुख शाम वालों से कहा सज्जाद ने सुन लो अरे कभी ना सलामत रखें। मौला सज्जाद फरमाते हैं कि मेरी छोटी शहजादी को करबला से शाम तक इतने दुर्रे मारे गए कि जब बीबी सकीना ने दम तोड़ा तो मौला सज्जाद कहते हैं कि मैं अपनी छोटी शहजादी का लाशा उठाने से घबरा रहा था। क्यों समाप्त करें। बिखर जाए न डरता था कहीं जख्मी बदन से का अरे लहू में बाबा दे पलंग गिरिया करें।
किसी की मौत पर जभी, अरे कफन की बात आएगी, अरे सकीना या दिल आएगी, सकीना या। हाय मौला सज्जाद कहते हैं कि मेरी छोटी शहजादी को कर्बला से शाम तक जब जब भी पानी मिला, जब भी पानी मिला, मेरी बहन का एक मामूल था, वो कूजा हाथ में लेती थी, मेरी तरफ नन्हे नन्हे कदम बढ़ाते हुए आती थी और उस कूजे का पानी मेरी जलती बेड़ियों पर डाल देती थी। अरे सफर में जल भी पानी को सकीना जाम पाती थी, अरे मेरी जलती हुई जंजीर पर वो डाव ले जाती थी, नजर जब भी किसी तपती, नजर जब भी किसी तलती हुई बेड़ी बजाएगी, अरे सकीना या दिल आएगी, सकीना। शेर खास तौर से पेश करूं, समाप्त करेंगे। सकीना सकीना है बाबा कहे कि जब आंसू बहाती थी, अरे लहू बहता था जालिम के तमाचे रुख पाती थी, कोई बेटी जब अपने बाप कुपर आंसू बहाएगी, अरे सकीना या दिल आएगी, सकीना। मैंने अक्सर आलिमों से मजलिसों में सुना है कि एक रसन थी बारह गले थी, और ये भी सुना है कि कभी भी जो बीवी सकीना को छोड़ के 11 शहजादियाँ उस रसन में बांधी गई थी वो कभी पूरे कद से खड़ी नहीं हुई, खड़ी इसलिए नहीं हुई कि उसमें भी एक बात थी कि जब जब बीवियाँ पूरे कद से खड़ी होना चाहती थी बीवी सकीना का गला घूमता था। समाप्त करें। बंधे थे गले में थी रसन खाए, अरे बड़ी मज़लूम थी परदेस में मेरी बहन, आए मुसीबत चार साल की मुझे हर पल
बीबी सकीना करबला से शाम तक हर लम्हा अपने बाबा को याद करती थी और रोती थी। समाज करें कि बीबी सकीना को आखिर बाबा का सर मिला, फिर ऐसा सुने कि फिर कभी उठे। समाज करें हाय पदर खो याद करती थी अंधेरी पैद में रहके, पदर को याद करती थी अंधेरी पैद में रहके। अरे सकीना आवाज सिसकने की, जिंदानों
Terima kasih kepada Mas Umar Syazadi yang selamat.